हेलो फ्रेंड, स्वागत है जीएसएम राकेश यहाँ पर। फ्रेंड आज हमारे पास एक रियलमी का फ़ोन है C51। इसमें FRP लॉक लगा हुआ है और इसकी FRP हम अनलॉक करेंगे UMT से। अभी UMT के नए यूनिसॉक प्रोसेसर का अपडेट आया, ट्राई करेंगे क्या वो न्यू अपडेट में ये मॉडल वर्किंग है या नहीं है, और ये मॉडल है या नहीं है। अगर नहीं है मॉडल तो टूल में हम किस तरीके से इस फ़ोन को अनलॉक कर पाएंगे। तो यूनिसॉक का जो नया अपडेट आया उसको हम इस वीडियो में टेस्ट करने वाले हैं। तो चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन। तो फ्रेंड यहाँ पर यूनिसॉक जो हमारा नया सेटअप में अपडेट आया है स्पेक्ट्रम वाले में, उसमें हम यहाँ पर रियलमी ब्रांड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मॉडल चूज करेंगे। तो मॉडल तो यहाँ पर दे नहीं रखा है, तो यहाँ पर हम यूनिसॉक का जो अभी रनिंग में C3535 दे रखा है, तो इसको हम चूज़ करके रिमूव FRP पे ट्राई करके देख लेते हैं क्या ये वर्किंग है या नहीं है, इस मॉडल पर सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो हम इसका यूनिवर्सल मोड यूज करेंगे, यानी कि CPU सेलेक्ट करके। तो इसका हम बूट की दोनों वॉल्यूम बटन दबा के इसको कनेक्ट करते हैं, देखते हैं कनेक्ट होता है, FRP अनलॉकिंग होता है या नहीं होता है। तो कनेक्ट, हाँ ये तो हो गया भाई। फ़ोन हमारा है C51 और हमने मॉडल चूज़ किया है C35। तो इस मॉडल में भी दोनों में सेम साइज CPU लगा हुआ होगा, तो इसलिए ये मैच खा लिया, क्योंकि इसमें जो सॉफ्टवेयर में जो लोडर होते हैं वो फैच किए हुए होते हैं, तो दूसरे मॉडल पे भी काम कर जाते हैं कभी कभार। तो इस तरीके से भी आप किसी सेम मॉडल मैच ना खा रहा हो तो उसको आप अनलॉकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं FRP रीसेट हो चुका है। तो हम फ़ोन की तरफ चलते हैं, फ़ोन हमारा ऑन हो गया, ऑटो ऑन होने देते हैं और देखते हैं हमारी जो FRP है वो हटी है या नहीं हटी है। तो मुझे लगता है हट जानी चाहिए। तो ये तरीका इसलिए बताया आप लोगों के लिए कि अगर सेम मॉडल नहीं है तो आप इस तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं, और अभी जो UMT का नया यूनिसॉक अपडेट आया तो वो वर्किंग में बोल सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। तो हम इसकी सेटिंग को सेट कर लेते हैं, यानी कि बूट कर लेते हैं फ़ोन को, और पूरा ऑन करने के बाद देखेंगे कि हमारी FRP है वो अनलॉक हुई है नहीं हो पाई है। हमेशा याद रखें, अगर कोई भी लेटेस्ट फ़ोन है अगर उसकी FRP पिन पासवर्ड अनलॉक कर रहे हैं तो बिल डिब्बा ज़रूर लें। मैं विदाउट बिल डिब्बा की अनलॉकिंग नहीं करता हूँ। तो ये हमारा सेटअप हो रहा है। यूनिसॉक में कुछ ज़्यादा बूट करने के लिए शायद मुझे लगता है कि फ़ीचर नहीं दे रखी है, नॉर्मल सा ही UI दे रखी है इन्होंने। तो यहाँ पर हाँ कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस। तो हमारी इस फ़ोन की जो FRP है बहुत ईजीली तरीके से अनलॉक हो चुकी है UMT के SPD टूल से, जो नया अपडेट आया है उसमें। तो एक बार मैं सेटिंग में जाके मॉडल चेक करा देता हूँ। ये मॉडल है C51 और हमने अनलॉक किया था मॉडल सेलेक्ट करके C35। तो देख सकते हैं C51 ही दे रखा है इसमें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को आप लाइक कर देना। थैंक यू।